डिविडेंड अनाउंसमेंट क्या है तो जानेंगे इस वीडियो पर, तो बने रहे एंड तक। और कौन से कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है अपने शेयर प्राइस के ऊपर बेसिस करके, वो भी बात करेंगे इस वीडियो पर, तो तीनों कंपनी के नाम भी जानेंगे, ठीक है। तो पहला कंपनी का नाम है दोस्तों, आपने तो देख ही लिया होगा ऑलमोस्ट, अदानी टोटल गैस कंपनी का नाम है। और आज के दिन में देख सकते हो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट करके दे दिया है दोस्तों कंपनी ने अभी तक का टाइम में, ठीक है। आज दोपहर 12 बजने से पहले ही दोस्तों कंपनी ने 100 रुपीज़ का फ़ायदा करके दे दिया है, यहाँ पर टाइम भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप जानते हैं कंपनी का डिविडेंड के बारे में, तो कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है वो 25 पैसे का डिविडेंड है, देख सकते हो यहाँ पर। और कंपनी का जो पेमेंट डेट है दोस्तों, पेमेंट डेट देख सकते हो यहाँ पर कि अगस्त माह का 25 तारीख इसका पेमेंट डेट है, यानी 26 अगस्त से लेकर दोस्तों 28 अगस्त के बीच में आपका पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी का नाम है दोस्तों अदानी एंटरप्राइज, ठीक है। कंपनी का नाम देख सकते हो अदानी एंटरप्राइज है, और कंपनी का करेंट प्राइस देख सकते हो यहाँ पर, इसमें थोड़ा बहुत फॉलिंग है, पर अदानी टोटल गैस कंपनी में देखा आपने कितना ग्रोथ हुआ है। तो कंपनी का डिविडेंड के बारे में अगर बात की जाए तो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है 1 रुपीज़ का, तो वो निकल जाएगा दोस्तों 1 से 1.8, यानी एक दिन ही आपके पास है मौका। तो पेमेंट डेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो अगस्त माह का दोस्तों 25 तारीख इसका पेमेंट डेट है, यानी 26 अगस्त से लेके 27-8 अगस्त के बीच में पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आप जानते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, लास्ट जो कंपनी है कंपनी का नाम है दोस्तों अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और दोस्तों सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक का नाम अगर कहा जाए दोस्तों, तो यही है सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाले स्टॉक में से बेस्ट स्टॉक दोस्तों, ठीक है। तो स्टॉक का करेंट प्राइस देख सकते हो 733 रुपीज़ है, और कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है दोस्तों वो है 5 रुपीज़ का डिविडेंड, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और जुलाई माह का 14 तारीख इसका एक्सडेट है, और पेमेंट डेट दोस्तों कहा जाए तो अगस्त माह का 25 तारीख इसका पेमेंट डेट है दोस्तों, ठीक है। यानी अगस्त माह का अगर कहा जाए 26 से लेकर दोस्तों 27 अगस्त के बीच में पेमेंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यानी डायरेक्टली कहा जाए तो तीनों कंपनी का एक्स डेट सेम है, पेमेंट डेट सेम है, पेमेंट डेट और एक्स डेट दोनों सेम है, यानी डेट सेम मतलब तीनों का सेम है, ठीक है। ये नहीं है कि दोनों का एक्स डेट और पेमेंट डेट सेम है, ठीक है। तो तीनों का एक्स डेट सेम है, तीनों का पेमेंट डेट सेम है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया अदानी का इन तीनों स्टॉक के बारे में। तो आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहोगे डिविडेंड के लिए, और अगर आपने ऑलरेडी बाय करके रखा है तो ज़रूर कमेंट करना कि आप कौन से स्टॉक का शेयर होल्डर हो, तो हमें भी तो पता होना चाहिए ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय दोस्तों।